जी अस्सलाम वालेकुम इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान टीम के होटल में चैंपियंस के साथ जिन्होंने वर्ल्ड कप में आज हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेस किए आइए इन से बात करते हैं अब्दुल्ला कैसा फील करें आज के इनिंग्स के बारे में जो आपकी पहली सेंचुरी थी और वो भी वर्ल्ड कप में स्टेज पे सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और टीम मैनेजमेंट और कैप्टन सबकी सपोर्ट थी और काफ़ी हार्डवर्क किया इसके लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिलती और कोशिश की है कि जब अपॉर्चुनिटी का वेट करूँ जब वो आए उसको वेल करूँ और अल्लाह का शुक्र है अच्छी परफॉर्मेंस रही है उससे हम मैच भी जीते मार्शल अच्छा। रिजवान भाई पहले तो ये बताए सेहत कैसी है पहले तो ये बता दें सेहत तो अल्हमदल्ला बेहतर है क्योंकि पे थोड़ी सी चल रही है ट्रीटमेंट उसके साथ तकलीफी के साथ मगर वो क्रैम्स थे अलहमदिल्ला बेहतर हो गए वर्ल्ड कप में आपकी पहली सेंचुरी है कितना खुश है आप इससे वर्ल्ड कप ही पहला है मेरा क्योंकि ओडिया मेरा पहला फर्स्ट वर्ल्ड कप और सेंचुरी आप किसी भी स्टेज पे करते हैं तो आपको खुशी होती है और फिर ऐसे स्टेज पे जहाँ से आपकी, आपकी आपकी क्या कहते हैं कंट्री है, है, जीती है पूरा मुल्क जीता है क्योंकि 24 करोड़ आवाम में इसको देखते रहते हैं पूरा पाकिस्तान इंतजार कर रहा होता है तो काफ़ी खुशी होती है अब्दुल्ला शुरू में जब दो विकेट जल्दी गिर गई तो कोई प्रेशर था ओबियसली काफ़ी प्रेशर सिचुएशन थी जैसे दो अरली विकेट्स गिरी लेकिन मेरा और भाई का यही प्लान था कि हम डीप लेके जाएंगे पार्टनरशिप को ताकि आगे जाके हमारे लिए जो आने वाले बैट्समैन उनके लिए आसानी और और उनको एक अच्छा मोमेंटम मिले और होपफुली वैसा ही हुआ है सब भाई पार्टनरशिप के बारे में आज बता दें पार्टनरशिप देखिए जी याद है मेरे ख्याल से जब सब जब मैं अंदर गया तो तकरीबन कोई पाँच छः बॉल में कहला था कि मैंने फिर अब यही कहा है कि हमने बोर्ड को नहीं देखना इसके बाद क्योंकि जब आप 300 प्लस चेस कर रहे हो और आपसे आपके जो दो मेन प्लेयर हो आपके आउट हो जाए तो फिर आपके पास एक बर्डे नहीं रह सकता है स्क्रीन पे बोर्ड पे तो मैंने उसको ये कहा कि बोर्ड को हमने नहीं देखना बस बीस ओवर में सिंपल प्लान है कि हम शो करेंगे बीस ओवर में शो करेंगे उस पॉजिटिव इंटेंट के साथ क्योंकि हमने एक सौ दस फिर कर दिया था क्योंकि हमने य था कि प्लान ये है और बाकी चलते रहेंगे इसके बाद ऐसा ऐसा चेंज करते रहेंगे तो ये पार्टनरशिप में थोड़ा तो सा हम कैलकुलेशन जो है ना हम करते रहे हैं और उस चीज़ को अडॉप्ट करते भी रहे हैं चीज़ों को किस बज किस टाइम पर लगाना है तो लोग जिस तरह अब्दुल्ला की इनिंग्स लगी है और सबके के सामने वो तो आउट क्लास है जिसकी वजह से पार्टनरशिप जो है ना लगी हमारी और इसमें चेज़ आसानी होगी अब्दुल्ला रिजवान भाई का प्रेजेंस आपके लिए ग्राउंड में होना आपके साथ कितना मददगार साबित तो? जी बिल्कुल जैसे आप जैसे वो दो अर्ली विकेट्स खेली थी तो उसके बाद प्रेशर काफ़ी आया था लेकिन रिजवान भाई के साथ वो प्रेशर फील नहीं हुआ क्योंकि ये उन सिचुएशन में काफ़ी खेल चुके हुए हैं तो इनको आइडिया है तो हम आ, प्लान करते रहे कि किस बॉलर पे हमने किस बॉलर को टेक ऑन करना है और किस बॉलर पे हमने चांस लेना है या किस कब हमने क्या प्लान करना तो प्लानिंग काफ़ी अच्छी रही रिजवान भाई के साथ और जो रिजवान भाई ने इनिंग्स से है आ, वो भी एक्सेप्शनल है तो होपफुली जिसकी वजह से हम ये मैच जीते हैं Good. रजवान भाई आप वर्ल्ड कप से आने से पहले सईद भाई के साथ आपकी बातचीत हुई थी हमने सुना है तो वो कैसी रही क्या बातचीत हुई है आ, बिल्कुल आते हो कि मैंने सईद अनवर भाई को फ़ोन किया था सवाल ऐसे क्योंकि वो आपके पास जब भी ऐसे आ, क्या कहते हैं बड़े प्लेयर हो पाकिस्तान में मौजूद है बहुत सारे अलहमदिल्ला इंजी भाई है सईद भाई है वो और भी सारे जैसे हफीज़ भाई हैं या जो 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 केले यहाँ पे आप उनके उनके से, उनके से आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते कि मेरे ख्याल से हमारी पाकिस्तान टीम में कुछ नवा एक नवाज़ आया हुआ है एक आगा सलमान जो वो भी किसी क्लब क्रिकेट के लिए आया था तो हमें आइडिया नहीं था कि इंडिया में पिचेस कैसे क्या चीज़ें कैसे हुई है तो सहीद भाई ने यह कहा था कि पिचेस आपको पिचेस की तरफ माइंड नहीं रखना इंडिया की पिचेस की तरफ क्योंकि आपको किसी भी सिचुएशन में किसी भी मुल्क में खेलना पड़ जाता है और चीज़ें मतलब उस तरह मुख्तलिफ हो सकती है वो आप कोलम्बो में भी देख ले वो ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में भी देख लें और इंग्लैंड में भी देख ले तो मुख्तलिफ होती है तो शहीद भाई की जो एडवाइस थी मेरे लिए वो काफी इंपोर्टेंट इसलिए थी कि वो उसने बिल्कुल वो, आ, मेरा माइंड जो था वो बिल्कुल पीछे से और इन से निकाल दिया था उसने कहा जो आपका प्लान है उसी भी रहो तो जिसकी वजह से अल्लाह कमें भी दे रहा है भाई नेक्स्ट मैच अहमदाबाद में है रेडी है हाँ बिल्कुल इन शाह हम भी रेडी है और उम्मीद है वो भी रेडी है <coughs> ये थे जी हमारे साथ आज के इम्पोर्टेंट uh, नॉक दोनों ने बहुत अच्छी सेंचुरी की है इनके साथ बातचीत हुई आपने भी सुना है तो ये थे हमारे आज के चैंपियंस थैंक यू